अध्यक्ष महोदय, अभी पश्चिम बंगाल में नन के दर्शन की आग ठंडी नहीं हुई, आग ठंडी नहीं हुई कि पिछले मंगलवार की रात को बर्दवान जिला के कटवा में एक साध्वी, 75 साल की उम्र की साध्वी, जिसके घर कीर्तन था, देर रात तक कीर्तन होता रहा और वहां पर कीर्तन सुनने के नाम पर श्रोता लोग, दस्यु लोग आए और कीर्तन सुनने के बाद चले गए, भजनीक लोग चले गए। उसके बाद उस 75 वर्षीय बुजुर्ग साध्वी के साथ में पाशविक दर्शन हुआ और उस पर हर तरह की यातनाएं की गई कि अंततः सुबह उसकी लाश वहां से मिली। महोदय, वहां पर इतना रोष है और लोग वहां पर चारों तरफ से घेर कर लगे हुए हैं कि वे तृणमूल की सरकार, जिसकी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सरकार, जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला, जो गृह मंत्री, जिसके अंडर में पुलिस, और वहाँ जवान लड़कियाँ तो सुरक्षित नहीं है। महोदय, जवान लड़कियाँ तो सुरक्षित नहीं है, पर वृद्ध, मातृ स्वरूप, दादी माँ की उम्र की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है और उनके साथ ये पाशविक अत्याचार हो रहा है। ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त से बाहर है। महोदया, वहाँ पर जवान लड़की तो सुरक्षित है ही नहीं पश्चिम बंगाल में, पर वहाँ पर मातृ स्वरूप और दादी स्वरूप, दादी की उम्र की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जो हमने पिछले दिनों रानाघाट में देखा और अब हम कटवा में देख रहे हैं। ये अत्याचार कब तक चलेगा? जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उसकी संवेदनशीलता कहाँ गई? वो रक्षा नहीं कर सक रही वहां नारी की। हमारी पूरे देश से, देश की नारी यही मांग कर रही है कि वहां की नारी को सुरक्षित किया जाए। अगर सुरक्षित नहीं कर सकती तो ऐसी महिला मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। बैठिए, बैठिए।